बेबी कहाँ रहते हो? खेड़ी। खेड़ी कहाँ पे, कौन सा जिला? कर्मुखेड़ी। शामली जिले में? हाँ। अच्छा सर, नाभी उतरे तुम्हारी कितने साल से? दो तीन साल होगी। हाँ जी। बाकी कोई दर्द वगैरह रह गए पैरों में, पिंडलियों में? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अभी छल्ला बना रहे, आप ठीक हो जाओगे। और आपने भारी वजन नहीं उठाना, ठीक है ना? भारी बाल्टी पानी की नहीं उठानी, सिलेंडर नहीं उठाना, कम से कम 2 महीने 3 महीने 4 महीने प्रेस रखना वजन का, ठीक है, ठीक है ना? हमारे पास सब ठीक करे। अरे तुम्हारा भी है वजन का, भरी बाल्टी जन्म मैंने उठानी पानी की, 40 किलो वजन कट्टे का, चावल का, गेहूं का, आटे का, सिलेंडर का, थोड़ा थोड़ा 5-5 किलो आराम से 10 बार उठाओ। और एक नहाने में इतनी ऊंची चौकी रखी हो, पतली पटरी में नहाई हो, ठीक है ना? और एक दूसरे गद्दे पर लेटना सोना, डल लगे गद्दे पर नहीं लेटना। और जब बात करो धूप में बैठो, कुर्सी में बैठो, कपड़ लगा के पीछे को, बिल्कुल पीछे कपड़ लगा के बैठो आराम से, चाहे प्लास्टिक लगा लो, चाहे चौके पैर रखो, चाहे सामने कुछ में रखो, कमर लगा के बैठो पीछे को, होकर नीचे से, नीचे से पीछे की सकते, नीचे की सकते पूरा पूरा, फिर इससे कमर के दर्द में आराम मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण में अनुबक्ष लो, परम पिता परमात्मा कर कर तेरा वास करण करामन हार, तू सब कुछ तेरे पास, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे सतगुरु, मेरा नाम हो रहा है सच्चे बादशाह राम, झरोक के बैठ के सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे, सच्चे बादशाह कृपा करना, तू ही निरंकार में तेरी शरण। और जब ठीक हो जाओ हमें भी बताइए फोन करके, बस और कोई भी भारी वजन ना उठाई हो, जिसकी नाक उतर रही, भले 2 महीने की जाए 4 महीने परहेज रखी हो, जिंदगी बड़ी वजन उठाने को। हाँ, अपना ध्यान रखोगे तो ठीक हो जाओगे। हाँ, सही है। बहुत से लोग नॉन वेज खा ले, उसमें तेल भी पड़े जा रहे, फिर वो नुकसान दे, सही है, पेट खराब है, सिस्टम खराब है, तो गलत चीज ना खाओ, दाल रोटी खाओ, सब्जी खाओ, सलाद खाओ, और तेल कम डाल लो, ना डाल लो तेल, तेल से ही गैस बने, एसिडिटी बने, पेट खराब हो जावे ना, बस। और लाल मिर्ची ना खाओ, एक हरी मिर्च डाल लो सब्जी में, दाल में, ठीक है ना? अपना तबीयत का ध्यान रखो और अपना बिल्कुल ठीक होते चल जाओगे, कोई दिक्कत ना मान लो, ठीक है ना? और अपना 10 मिनट बैठो भी आराम होना शुरू हो जाएगा पैरों में, ठीक है नी? आपको जैसे वो परेशानी थी उसमें आराम मिल गया होगा, आराम है, तुम देखो तुम्हारे पैरों में थकावट थी, पीड़ा थी, आराम है, परमात्मा देखो कितनी बड़ी कृपा है, आराम से ही लग जा, 10-20 मिनट में ही आराम होना शुरू हो जाए। इसलिए लोग दूर से भी आवे, बाहर से भी आवे, जब से यूट्यूब पर डाला बेटे के नाम से नवीन छल्ला, NAMIT CHALLA, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सब जगह से बच्चे आ रहे, फोन पे भी बात कर रहे, कोविड की सुविधा भी ले रहे, तो सबका भला हो, सब ठीक रहे, यही हमारी इच्छा है, और कर भला तो हो, भला भले का भला, और ठीक होगा और भी बता दियो पड़ोस में, भाजी भाजी सोचे भाई, प्रोत्साहन करो, पता लग जा, ना, 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 ठीक हो जाए।